गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल, कैसे हो आप सब लोग? ओके, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है अपने पसंदीदा शो डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स में। और हम सब अगले कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर आधारित उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट सेशन को लाइव अभी जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मेरी आवाज़ क्लियर है, आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, 37 बच्चे हमें लाइव दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से बाकी स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। और साथियों, हर दिन की तरह सेशन की शुरुआत होगी शुभ विचारों के साथ, थॉट ऑफ द डे के साथ। सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर जाता है। जी हाँ साथियों, सफलता का रास्ता ईमानदारी की पटरी से होकर के जाता है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्तित्व हैं, एक सफल आदमी हैं। और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो फिर आपकी लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी मुश्किल आपको हो सकती है। और इसका प्रमाण यह है कि अगर आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत करा, अगर आपने खुद से चीट नहीं किया, तो यकीन मानिए कि आप जो भी कार्य करेंगे पूरी दक्षता से करेंगे, पूरी इफिशियंसी से करेंगे। आप समय पर पढ़ाई करेंगे, समय पर सोएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, गलतियाँ होने पर रिविज़न करेंगे और अपना सेल्फ एवोल्यूशन खुद से स्वयं मूल्यांकन करेंगे और अपने आप को उस लक्ष्य, उस मंजिल के लिए तैयार करेंगे जिसके आप ख्वाब देखते हो, है ना। तो साथियों, इसी थाउट के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग हर दिन सेशन की शुरुआत जो है वो शुभ विचारों के साथ हम लोग करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग लौटते हैं क्विक रिविजन में, जहाँ पे देखते हैं कल के उन तमाम सवालों को जो आपने ऑलरेडी बना रखा है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं क्विक रिविजन में, और क्विक रिविजन के अंतर्गत देखेंगे कल के उन तमाम प्रश्नों को जो आपने ऑलरेडी बना रखा है, है ना। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहो इस क्विक रिविजन सेशन के लिए। सवालों के बौछार लगने वाले हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जल्दी जल्दी से करना है। ऋषिका, चांदनी, परी, शीतल, विवेक, मंजू, स्वीटी, गुड मॉर्निंग, अंजू, माही, लिस्ट लंबी है। उपेंद्र, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जितने बच्चे, पंकज जुड़ चुके हैं इधर से, बहुत बहुत स्वागत है। मुख्तार, गुड मॉर्निंग। दिनेश, चलिए सभी, आज़ाद, मंसूरी, गुड मॉर्निंग बच्चे, स्वागत है। चलिए तो जल्दी से, अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है, अंजलि गुड मॉर्निंग, सुधांशु ऑल राइट, राजीव कुमार, जितेंद्र स्वागत है। तो साथियों, पहला सेशन का आज का ये पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और बनाने का प्रयास करो। सवाल है, नूर शेखावत किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनी है जिसके, जिन्हें लिंग ट्रांसजेंडर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? किस राज्य में साथियों ये पहले ट्रांसजेंडर बनी है, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? चलिए, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसमें सही आंसर किया है और सही उत्तर होगा इसका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी महत्वाकांक्षी रणनीति 2022 से 31 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई एक कार्य योजना, एक एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड एन एक्शन प्लान टू डिजाइन टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एम्बिशियस स्ट्रैटेजी ऑन क्लाइमेट चेंज 2022-31। चलिए, अगला सवाल आपके सामने एंड सही जानकारी है साथियों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के शहीदों के सम्मान में आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया है? तो साथियों, यह अनावरण हुआ है इटली के अंदर एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बहुत बेहतर। आगे फिर सवाल देखें जो आपने ऑलरेडी बना रखा है। आगे पुनः प्रश्न होगा कि किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने, साथियों किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आयकर भुगतान के सुविधा को विकसित किया है? आप उस ऐप के माध्यम से इनकम टैक्स भी फाइल कर सकते हो। तो
इसमें सही जानकारी है फोनपे ने, आपने जितने लोग यूज करते होंगे आपको ये मैसेज आया होगा कि नाउ यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स फ्रॉम दिस ऐप, और बिल्कुल सही जानकारी हो जाएगा फोनपे। आगे पुनः सवाल है, अगला प्रश्न होगा कि 5 साल की अवधि के लिए साथियों टाटा स्टील के MD और CEO के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है। 5 साल के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए टाटा कंपनी के, टाटा स्टील के CEO और MD के पद पर साथियों, तो TV नरेंद्रन ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे पुनः सवाल आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथियों राष्ट्रपति सांस्कृतिक केंद्र में कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की घोषणा करी है। तो आपने पढ़ा होगा इस पुरस्कार के बारे में, 6 पुरुषों को और 5 महिलाओं को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है, 6+5=11। नेक्स्ट है, बेरूत लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें से उस व्यक्तित्व, उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है साथियों जिसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, जल्दी से कमेंट करोगे। बहुत बेहतर, वेरी गुड, जल्दी जल्दी से उत्तर करना है, गलती नहीं होना चाहिए, गलती होगी तो खूब पिटाई लगने वाली है आपको, सीधा किडनी पे फाइट लगेंगे, मुक्के लगने वाले आपके, सोच लीजिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि वही सब सवाल इसमें पढ़ाए जा रहे हैं जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बहुत अच्छा, सही जानकारी क्या हो जाएगा इसमें, सही जानकारी है किशोर जैना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पुनः आपके सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साथियों किस राज्य में एक नए GST भवन का उद्घाटन करा है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था, दूसरी तीसरी बार हो रहा है ये, कि त्रिपुरा के अगरतला में साथियों नए GST भवन, नए GST बिल्डिंग का इनोग्रेशन हुआ है। पटना में भी आपने देखा होगा बोरिंग रोड के आसपास, हाँ, तो वहाँ पे भी एक नया GST बिल्डिंग है, उसका भवन है। आगे देखो क्या सवाल है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, अगला सवाल, कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय फुटबॉल क्लब हो गया है। फुटबॉल क्लब साथियों जिसने पहली बार गोथिया कप जीत लिया है स्वीडन के अंदर, तो वह है मिनरवा अकेडमी। चलिए आगे पुनः बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला सवाल होगा हमारे सामने, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2032 तक Formula 1 की मेजबानी करेगा। लो 2032, पहले उसको 2027 तक के लिए अलॉट किया गया था, अब ये 2032 तक कर दिया गया है बढ़ा के, तो आपको बताना है कि सही जानकारी इसमें से क्या होगा। बहुत अच्छा, एंड सही जानकारी साथियों हंगरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर से सवाल आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने पुनः होगा, नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने है, पाकिस्तान के साथ किस वर्ष संघर्ष में भारत की जीत के लिए साथियों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। भारत ने कब पराजित किया था इसको, पाकिस्तान को, कि ये दिवस मनाया जाता है उस उपलक्ष्य में। तो इसमें सही जानकारी रखेंगे सभी बच्चे, 1999, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं या विजय दिवस के रूप में भी जानते हैं। आगे पुनः सवाल हमारे सामने है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। मैंग्रोव के लिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, तो इसमें सही जानकारी हो जाएगा कि प्रति वर्ष यह जो दिवस मनाया जाता है वह है 26 जुलाई, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुनः होगा, फांग नॉन कोन्या किस राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली महिला बन गई है साथियों, पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए चुना गया है। चलिए बहुत बेहतर, और इसमें सही जानकारी क्या है भाई, तो सही जानकारी है कि सेज बिलोंग्स टू नागालैंड, और नागालैंड से चुनी जाने वाली पहली महिला है, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, अगला सवाल फिर से आपके सामने होगा, अगला प्रश्न है, ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किस देश ने अपने नाम कर लिया है। तो साथियों इस कप को पाकिस्तान ने जीता है, और पाकिस्तान ने इंडिया ए को पराजित कर दिया है। आगे सवाल होगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है, किस
केंद्र शासित प्रदेश ने पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत बेहतर साथियों, पहला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है लद्दाख के अंदर, एंड यहाँ पे सी हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, अगला सवाल है, आठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया का आठवां डिफेंस पॉलिसी टॉक कहाँ पे होगा? लाइक करने में बहुत कंजूस हो तुम लोग, मतलब हर जगह कंजूसी चल जाएगा, यहाँ पे कंजूसी नहीं समझ में आता आपका। मात्र 21 बच्चों ने लाइक किया अभी तक, ये बहुत बुरी आदत है आपकी। नहीं तो फिर क्या करूँगा पता है, मैं बकैती खूब करूँगा, पढ़ाऊँगा कम, लाइक दी सेशन बोलते रहूँगा। हाँ तो हमको उस लेवल पर मत आने दीजिए, आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मतलब बिना बोले आप लोग सब कर देते हो, ये मेरे लिए अच्छी बात है। तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, जल्दी से लाइक कर लो। मैं तो शेयर करने भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे आप सभी मेरे जितने भी बच्चे हो बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बड़े हाई आपका सब है दिल दिमाग, तो आपको खुद पता है कि शेयर करना है कि नहीं करना है। हाँ तो लाइक तो कम से कम करो, ये मेरे को दिखता है यहाँ पे, और कम दिखता है तो बहुत बुरा लगता है, मतलब समझ रहे हो ना, दिल से बुरा लगता है भाई, समझो बात को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज साथियों, 7 विकेट T20 मैच में लेने वाले पहले गेंदबाज का नाम क्या है? तो मलेशिया से है सयाज रुल आजाद इद्रस, इन्होंने 7 विकेट लेकर के रिकॉर्ड बना लिया है। बताओ इतना विकेट कौन लेता है भाई, वो भी T20 मैचेस में। लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर व्यापक प्रतिबंध लागू कर दिया है, संबंधित देश कौन सा है साथियों? वहाँ पे आप सेक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, और ट्रांसजेंडरों के विवाह पर उसको रोक लगा दिया गया है, संबंधित देश का नाम है रशिया, एंड ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सवाल है कि किस अभिनेता ने 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में द राइजिंग सुपर स्टार के रूप में पुरस्कृत किया जाना है, उसके लिए उन्हें चुना गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें सही जानकारी है कार्तिक आर्यन को, ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए बहुत अच्छा है इसमें, और राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रतिवर्ष 28 जुलाई को यह दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने होगा, और अब जो सवाल होंगे साथियों ये है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो इसे भी जल्दी जल्दी से उड़ा देना। बिहार में कितने ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा साथियों? खेलो इंडिया सेंटर कितने ज़िलों में ओपन किए जाने का प्लान है, सरकार की घोषणा है? खेलो इंडिया केंद्र कितने ज़िलों में स्थापित किए जाने की योजना है? तो 33 में, हाँ 38 में से 33 ज़िलों में इसकी स्थापना होगी। पटना रेलवे जंक्शन के अलावा बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाया जाएगा? पटना के अलावा साथियों वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा? तो इसमें सही जानकारी है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर से सवाल है बिहार में वीर कुंवर सिंह जयंती या विजय उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वीर कुंवर सिंह जयंती या विजय उत्सव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सबने जानकारी रखोगे कि यह दिवस प्रतिवर्ष 23rd ऑफ अप्रैल को, यानी कि 23 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑब्वियसली डी। आगे पुनः सवाल हमारे सामने होगा, और यह प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में 3 कोयला ब्लॉक को के खनन को मंजूरी दे दिया है? कोयला ब्लॉक जो है स्टूडेंट उसको मंजूरी दे दिया है 3 जगहों पर। तो सही जानकारी है कि भागलपुर के अंदर 3 नए कोल ब्लॉक को मंजूरी दिया गया है, डी हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर है। आगे पुनः सवाल है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल का जो निर्माण हुआ है उसकी शानदार आर्किटेक्ट के लिए साथियों उसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार सरकार ने विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए ये पूरी जानकारी आपको यहाँ से रखनी है। अब हम लोग चूँकि क्विक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग अपने आज के सेशन में वापस लौटेंगे और कमाल के सवाल के देखने वाले हैं, ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ से देखेंगे। आज का सेशन 29th ऑफ जुलाई
29 जुलाई और आज के सेशन में ढेर सारे अच्छे सवालों को हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। चलिए तो ये पूरी जानकारी हम लोग यहाँ से देखेंगे और पहला सवाल होगा आपके सामने। इससे पहले मुझे 59 बच्चों का केवल अभी लाइक दिख रहा है, लाइक तो बहुत कम बच्चे हैं। मैं समझ रहा हूँ इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या कॉन्स्पेरेसी है, बट कोई नहीं। हाँ, अभी जितने भी लोग हो मेरे लिए आप सब काफ़ी हैं। 77 क्या 7 भी रहोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी नंबर है और रेवोल्यूशन कम ही लोगों के साथ होता है। चलिए साथियों, मैं हूँ SK चौधरी। आप हमें अनअकैडमी के ऊपर करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो और अनअकैडमी पे करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स ये दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के मैं आपसे जुड़ता हूँ। एंड ये सब आपका प्यार है, डेडिकेशन, फॉलोअर्स, वॉच टाइम एंड ऑल। और आप वहाँ पे मेरे को ज्वाइन करो लक्ष्य सीरीज में। हाँ, लक्ष्य सीरीज जो अपने आप में एक शानदार सेशन है। अगर इस सीरीज में अगर आपने 50 में 25 क्वेश्चन बना लिया तो आप बहुत दमदार हो और BPSCA के अंदर भी कमाल करने वाले हो। तो आप सभी बच्चे प्रयास करिएगा, इधर जरूर से जरूर जुड़ना। और वापस से हम लोग अपने आज के सेशन में आते हैं, आज के क्वेश्चन आंसर के सेशन को देखते हैं यहाँ से। चलिए तो पहला सवाल आपके सामने होगा आज के सेशन का और ये पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से इसे देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, पहला प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान पर सहमति हुई है, किस देश के साथ भारत ने यह समझौते किए हैं। पूरा मामला समझो कि भारत ने युवाओं के आदान प्रदान करने के लिए किस मामले पे साथियों, तो मामला होगा जैव प्रौद्योगिकी और कृषि। मामला क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर पे युवाओं का आदान प्रदान किन देशों के मध्य होगा। एक तो भारत है, भारत यह समझौता किस देश के साथ कर रहा है। चलिए तो यह पहला सवाल है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत यह समझौता कर रहे साथियों अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना के साथ, हाँ, अर्जेंटीना और भारत के बारे में जब भी बातें होंगी तो इस बात का खूब जानकारी रखोगे कि इंडिया और अर्जेंटीना के बीच लगभग स्टूडेंट $6.4 बिलियन का व्यापार है। कितने का व्यापार है, $6.4 बिलियन का व्यापार है और भारत जो है अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत इसका कितना बड़ा व्यापारिक साझेदार है फ्रेंड, तो इंडिया इज फोर्थ बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ अर्जेंटीना। हाँ, और अर्जेंटीना के साथ भारत ने एक समझौते किए हैं जिसमें जो युवा अंग रिसर्चर्स होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं उसको आदान प्रदान किया जाएगा। हमारे देश के युवा वहाँ पर जाएंगे, उसके देश के युवा हमारे देश में आएंगे। तो सही जानकारी क्या है कि भारत और अर्जेंटीना के मध्य यह समझौता हुआ है। हाँ, अब इसमें और भी चीज़ें हैं, इतनी ही चीज़ें नहीं है भाई, इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और भी चीज़ों में जैसे इसकी विस्तृत एनालिसिस को भी देखेंगे। भारत अर्जेंटीना के मध्य समझौता हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, अर्जेंटीना का ही सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा देश। तो ये सारी बातें वापस से वही लिखी गई हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला प्रश्न है कि सरकार के अनुसार योजना, अगला प्रश्न है सरकार के अनुसार योजना की शुरुआत के बाद से 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़े देश का आम नागरिक उड़ानों पर यात्रा की है, उड़ान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। साथियों आपको याद होगा वर्ष 2014-15 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था। नारा था कि हवाई चप्पल से हवाई यात्रा, और भारत में एक ऐसा वर्ग था जो हवाई यात्रा नहीं करता था क्योंकि टिकटें बहुत महंगी हुआ करती थी। और उसके पीछे वजह ये था फ्रेंड कि भारत के अंदर जो हमारे यहाँ अंदर जो एयरपोर्ट जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत लिमिटेड था, तो जो एयरवेज कंपनियाँ थी उन्हें काफ़ी हाई कॉस्ट पे टिकट विकट रखना पड़ता था। भारत सरकार ने साथियों उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत जो है वो हवाई यात्रा को सुलभ बनाया और देश के अंदर नए नए एयरपोर्ट को अलग अलग तरीके से विकसित किया, डेवलप किया। और यह भारत सरकार की एक सफल परियोजना है जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था भाई ये, 2016 में। इस योजना के अंतर्गत, उड़े देश के आम नागरिक की योजना के अंतर्गत स्टूडेंट 2024 तक पूछा जाता है कि कितने नए एयरपोर्ट बनने का लक्ष्य है, तो 100 नए एयरपोर्ट स्थापित किए जाने का, नए एयरपोर्ट को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा गया है। हाँ, और इस योजना का नाम क्या है, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। भारत में योजना को अब तक 2016 से लेकर अब तक 123 लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने
इस योजना के अंतर्गत सफ़र करा है, ट्रैवल किया है और ये बहुत कमाल की योजना है। हाँ, अगर आप अभी पटना एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसा भीड़ लगेगा कि पटना रेलवे स्टेशन आ गए हैं। वजह बड़ा क्लियर है कि टिकट का प्राइस जो है, अब रेलवे का अगर आप टॉप क्लास में ट्रेवल करो तो आपको इधर का बराबर मिलेगा आपको। चलिए, तो ये सारी बातें आपको आगे के स्लाइड में भी लिखी हुई मिलेंगी, बट हमें इसे बिल्कुल, यह योजना टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में शुरू करा गया था अक्टूबर 2016 के अंदर, तो पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। और भारत में भी 148 एयरपोर्ट पे इसको परिचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को स्थापना का मंजूरी दे दिया है। ये वर्ड पे ध्यान देना, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को, ये शब्द है साथियों, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दिया है। तो जानकारी रखोगे कि भारत में जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दिया गया वह है नंबर है 24, अभी जो नए एयरपोर्ट को जो मंजूरी मिला है वह है 21, और ये मिला है फेज टू में, ध्यान रखिएगा, ये है चरण दो में, यानी कि सेकेंड फेज में 21 को मंजूरी दिया है। इससे पहले चरण वन यानी कि फेज टू जो था साथियों, उसमें 11 को मंजूरी मिला था, 11 को। ये शब्द क्या लिखा हुआ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है क्या होता है, तो जब भी ऐसा कोई शब्द इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिखा गया होगा तो हमेशा जानकारी रखना कि ग्रीनफील्ड का मतलब है कि ऐसा शुरुआत, ऐसे स्थापना जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, निजी निवेश है। तो सरकार जिसमें निजी निवेश के साथ स्थापना का कार्य करती है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। हाँ, एक वर्ड और यूज होता है एग्जाम के अंदर, वह होता है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट या फिर ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड का मतलब हमेशा जानकारी रखिएगा कि जब सरकार की कोई प्रोजेक्ट चल रही है, पहले से वो चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट में चूंकि लॉस हो रहा है, सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही है, और वैसी स्थिति में अगर बाहर से सरकार किसी कंपनी को इनवाइट करती है कि भाई इस प्रोजेक्ट को आगे आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। बात समझना, ग्रीन फील्ड में क्या होगा, ग्रीन फील्ड के अंदर जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले से ही रहेगा, वो एक समझौता हो जाएगा, और ब्राउन फील्ड में क्या है, बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा, प्लान पहले से चलता है। हाँ, तो इसकी खूब जानकारी रखिएगा। और तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। कुछ बच्चा सुबह सुबह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आ जाता है, असल में ये जीरो पैसा पे काम करने वाले एजेंट टाइप के बच्चे हैं, फ्री में काम करते हैं, मेरे लिए भी काम कर दो, क्या नाम है इसका, और एक बार मेरा रेफरल कोड आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रा डाल दो। हाँ, इसका अपने आप कमेंट गायब हो जाएगा, मेरा रेफरल कोड जस्ट कमेंट कर दो तो एक बार सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। चलिए, मैं इन फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ, आगे सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगला सवाल होगा स्टूडेंट कि अकीरा जो हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, अकीरा क्या है। स्टूडेंट देखो, आप लोग मेरे को पीछे कर रहे हो, आप लोग मेरा रेफरल कोड कमेंट करो, सिर्फ रेफरल कोड, आपको कुछ नहीं लिखना है। सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है, जैसे ऐसा कोई कोड डाले तुरंत मेरा रेफरल कोड नीचे लिखो। बिल्कुल, देखो 50-100 रेफरल कोड तो आ गया मेरा, है ना, तो कौन सा कोड प्रयोग करोगे सब्सक्रिप्शन के लिए भी, SKC10, है ना। चलिए, तो साथियों अकीरा जो हाल ही में चर्चा में रहा है वो क्या है, डिजीज है, मिसाइल सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कीम है, या इंटरनेट रैनसमवेयर है, क्या है ये। देखो अभी भारत में स्टूडेंट एक नई प्रकार की प्रजाति है, जैसे अभी जो इधर था ना रिलेवेंट जो व्यक्ति था अभी कमेंट सेक्शन में, ऐसे ही लोग भारत में पड़े हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते, ठगना चाहते हैं किसी को कि भाई ठग करके और पैसे कमा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो भारत में भी अभी एक नई प्रकार की ठग की सिस्टम की शुरुआत हुआ है स्टूडेंट। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर, तो एक प्रकार का समझ लो कि इंटरनेट रैनसमवेयर है, जिसके अंतर्गत आपके डेटा को चोरी कर लिया जाता है लैपटॉप से, और आपका डेटा को चोरी करने के बाद जो आपसे क्या किया जाएगा स्टूडेंट, कि आपसे वसूली की जाएगी, पैसे की डिमांड किया जाएगा। हाँ, तो पैसे का डिमांड किया जाएगा, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका जो डेटा है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। तो इंटरनेट रैनसमवेयर का नाम क्या है, अकीरा। और भारत सरकार ने साथियों इसके खिलाफ लोगों को सचेत करा है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी समझोगे। CERT IN यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो भारत में इसके लिए काम करती है, उसने लोगों को
सचेत किया है कि एनी डेस्क के माध्यम से या विन आरआर के माध्यम से, पीसी हंटर के माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, आपके सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, आपके लैपटॉप सिस्टम से, और फिर आपका सारा डेटा जो है उसको वहाँ से चोरी करेंगे। हाँ, तो आप सब भी प्रयास करिएगा, फिर फिरौती मांगेंगे आपको इसके बदले, और आप लोग भी प्रयास करिएगा कि अपना मोबाइल का डेटा उठाओ थोड़ा बचा के रखना है, और इसके बारे में जानकारी रखना कि भारत में स्टूडेंट ICERT जो है ना ये काम ही करता है इसके लिए, भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी ना हो साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन काम करता है, तो ICERT काम करती है। और संजय बहल जो है साथियों, संजय बहल वो इसके डायरेक्टर हैं, इसके निदेशक हैं, तो ये पूरा मामला समझेंगे। और इसके आगे एक और जानकारी आपके लिए होगा कि रैंसम वेयर क्या होता है। तो साथियों, रैंसम वेयर एक कंप्यूटर मैलवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के स्वयं के डेटा को उसके सिस्टम के उपयोग करने से संक्रमित और अवरुद्ध करता है। रैंसम वेयर समूह में VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा के माध्यम से पीड़ित वातावरण तक पहुँचते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे जानते हो, VPN का प्रयोग करेंगे, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करके आपके लैपटॉप तक, आपके डेटा तक पहुँचेंगे, डेटा को चोरी कर लेंगे। तो बीच बीच में आप लोग क्या करिएगा कि अपना उसको चेंज करते रहना पासवर्ड वासवर्ड, हाँ, और कोई एनी डेस्क से किसी से कनेक्ट नहीं होना है, वो आपके डेटा को चोरी करेंगे। हाँ, एंटीवायरस कितनों डालोगे वो अटैक कर ही देंगे, लेकिन हाँ बच के रहना है। आगे सवाल होगा कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंग्लिश फॉर वर्क शुरू करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है साथियों। इंग्लिश फॉर वर्क, हाँ, जो सामान्य लोग हैं उन सबको भी इंग्लिश सिखाया जाएगा, और कितना इंग्लिश भाई, काम भर इंग्लिश। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है साथियों, और इतना इंग्लिश जो है वो लगभग सबको आना चाहिए। हाँ, तो उसकी जानकारी रखोगे, और वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश फॉर वर्क के संबंध में किस राज्य ने ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन के साथ समझौते किए हैं, तो वह है पंजाब सरकार ने। और पंजाब सरकार, हमने जैसे ही बोल दिया तो साथियों सबको याद है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मान सिंह साहब। तो मान सिंह जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान, हाँ भगवंत मान, उन्होंने यह समझौते करे हैं, और भगवंत मान सिंह जो है यहाँ के, उन्होंने ये समझौते किए हैं ब्रिटिश काउंसिल इंडिया, काउंसिल एजुकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ। इसमें क्या है, युवाओं को रोजगार के लिए इंग्लिश सिखाया जाएगा, और वो राज्य के बाहर भी जो जा करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, भारत के बाहर चूंकि इंग्लिश की समस्या होती तो उनको इंग्लिश की समस्या नहीं होगी, इतना वहाँ पे उन्हें सिखा दिया जाएगा। आगे फिर से सवाल होंगे, और आगे सवाल हमारे सामने है कि बताओ, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा समर्थित निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ऋण की कुल राशि कितनी थी। चलिए साथियों, सवाल को समझोगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य समर्थित निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ऋण की राशि कितनी थी, मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर के बैंक ने सरकारी निगमों को, कॉरपोरेशंस को, सरकारी कंपनियों को और सरकार द्वारा समर्थित कंपनियों को टोटल कितना कर्ज दिया, कितना ऋण दिया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जानकारी भाई, सभी लोग सही जानकारी रखोगे इसमें, कि सरकार के कंपनियों को जो टोटल इसमें लोन दिए गए हैं वह है 4.12 ट्रिलियन। कितने रुपया दिया गया साथियों, 4.12 ट्रिलियन ये ऋण के तौर पे प्रदान किया गया है भारत सरकार के अलग अलग निगमों को, अलग अलग कंपनियों को। तो ये पूरी जानकारी हम लोगों को यहाँ पे रखनी है। अब इसमें से और भी मामले हैं कि किस बैंक ने सबसे ज़्यादा दिया है, तो कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष के 22-23 के दौरान जो सबसे ज़्यादा लोन दिया है वह है 1,83,873 करोड़। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, हाँ इन सारे कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों को ये सारे ऋण दिए हैं। ये जानकारी निर्मला सीतारमण ने साथियों, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उस सेशन में उन्होंने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया है। आगे पुनः सवाल है, RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकों ने कितने करोड़ रुपए के बुरे ऋण माफ कर दिए हैं। चलिए, बैड लोन, हाँ ये वर्ड देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, बैड लोन, बैड लोन को सर RBI ने माफ कर दिया है, बताओ कितने का। देखो, जब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाँ, अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद 90 दिनों के अंदर अगर आपने उसमें
ब्याज का भुगतान नहीं करते हो या फिर उसमें इंटरेस्ट का पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन का अगर भुगतान नहीं करते 90 डेज के अंदर एक रुपये भी सिंगल रुपीज भी, हाँ मतलब समझ रहे हो कि मान लो 100 रुपये हमने बैंक से उधार लिए, हमने उस उधार के बदले 90 दिन के अंदर ना ब्याज दिया ना मूलधन लौटाया, एक रुपया भी नहीं लौटाया, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, NPA कहते हैं, नन परफॉर्मिंग एसेट्स। और नन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक क्या करता है, बट्टा अकाउंट में डाल देता है, बट्टे खाते में डाल देता है, डिस्काउंट अकाउंट में डालता है। और उसके बाद भी अगर बैंक उसको रिकवर नहीं कर पाता है साथियों, तो बाद में बैंक क्या करता है, उसको बैड लोन घोषित करता है और बैड लोन घोषित करके उसको माफ़ कर देता है। तो RBI जानकारी दे रही 2022-23 में कितने लाख करोड़ का बैड लोन सरकार ने घोषित करा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषित किया है। तो सभी लोग जानकारी रखोगे कि इसमें 2.09 लाख करोड़ रुपीज़ का बैड लोन जो है उसको घोषित किया गया है, और ये पैसे जो है अब चले गए, अब इसको वापस नहीं लिया जाएगा। अब इसमें और भी जानकारी ये है कि पिछले पाँच वर्षों के अंदर जो है वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का बैड लोन की घोषणा हो चुकी है। पाँच वर्षों में कितने का अभी तक घोषणा हो चुका है, 10 लाख करोड़ रुपये का बैड लोन की घोषणा अभी तक की जा चुकी है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें जानते हो खास करके क्या होता है कि इसमें जो बैड लोन होता है, इस बैड लोन में अधिकांश ऐसे लोन है ना जो सक्षम लोगों के पास है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पैसे ले लेकर के सरकार के आराम से सोए हुए हैं, उनको डर वर है ही नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल, चलिए तो यही सारी बातें यहाँ पे वापस से डिटेल से लिखा हुआ है और ये आपको मिल जाएगा एनालिसिस में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 5.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है IMF ने साथियों, भारत का GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया है। देखिए GDP का वृद्धि का जो अनुमान लगाया है उसने, वो बेसिकली बढ़ा दिया है कि इट विल बी बिटवीन 6.6.5, हाँ इतना कर दिया है। लेकिन एग्जैक्ट अगर बोला जाए कि चालू वित्त वर्ष मतलब अभी 2023-24 के लिए, तो 2023-24 के लिए साथियों भारत का जो GDP वृद्धि दर का अनुमान उसने लगाया है वह है 6.1% और 6.1% जो है साथियों पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब जो पहले पूर्वानुमान लगाया था उससे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अब इसमें आप में से कई बच्चों का सवाल होगा कि IMF जो है वो क्या है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। IMF क्या करता है साथियों, IMF इट्स प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, किसी देश को भुगतान संतुलन को मेंटेन करने के लिए साथियों यह लोन प्रदान करता है। और आपने पढ़ा होगा इसके संदर्भ में कि गीता गोपीनाथन जो है उसके डिप्यूटी डायरेक्टर हैं और जॉर्जिवा करके जो है इनके डायरेक्टर है, वॉशिंगटन DC का हेडक्वार्टर है। IMF में चलता है कोटा प्रणाली, भारत 8वें नंबर पे कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग, हाँ भारत किस नंबर पे, 8वें नंबर पे। 2003 से भारत IMF का स्पॉन्सर कंट्री है, मतलब केवल ऋण लेता नहीं ऋण देता भी है, ये पूरी जानकारी रखोगे। और फिर से सवाल हमारे सामने है, अगला प्रश्न, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वापस से डिटेल्स में लिखा हुआ है, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको मिल जाएगा PDF में। PDF रेगुलर आपको मिल पा रहा है, सभी बच्चे हाँ और ना में जवाब दोगे, आप सबको PDF की प्राप्ति हो जा रही है। अगर नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में 5वें नंबर पे होगा SK सर्च टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग वहाँ से लिंक से ज्वाइन कर लेना। और बदमाश लोग इतने हैं कि मैंने बोला ना कि पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है, मेरे को कोई सड़ेंद्र, लोगों ने मेरे नाम से फेक अकाउंट तक बना रखा है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बताऊंगा तो मेरा फेक आईडी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो मैं अपना हमेशा कहूँगा लिंक से आप लोग ज्वाइन करिएगा, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करिएगा। चलिए साथियों अगला सवाल है कि तेंजिंग आंग की किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं। लो कमाल का सवाल है ना, संबंधित राज्य का नाम बताओ जहाँ से ये IPS अधिकारी बन गई हैं। तो आया UPSC का रिजल्ट, और UPSC 2022 में आप में से जितने लोगों का सपना है UPSC कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना, यस आई ड्रीम फॉर दिस एग्जाम, आप कमेंट में हमें बताओ कि आपके सपने हैं UPSC 2022 में साथियों इनका जो रैंक है, इनका रैंक रहा है 545
545 और 545 रैंक के साथ तेंजिंग आंकी जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं वो बन गई है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। और ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है तो सबने जानकारी होगी किरण बेदी। किरण बेदी स्टूडेंट प्रशासक भी रही अलग अलग राज्यों के अंदर, तो किरण बेदी पहली महिला आईपीएस है, लेकिन तेंजिंग यांग की अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। अब इसमें से एक जानकारी और क्या है स्टूडेंट वो ये है, एक जानकारी और क्या है वो देखना, तेंजिंग यांग की ना आईपीएस बनने से पहले, ध्यान से सुनना, आईपीएस बनने से पहले इन्होंने जो अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है स्टूडेंट उसको 2017 में इन्होंने क्रैक कर चुका है ऑलरेडी, ये कर चुकी हैं। तो 2017 में ये ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में थी और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो आए दिन मैं भी ये मान करके चलता हूँ कि आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले बीपीएससी क्रैक करने वाले हो और फिर कुछ समय के बाद ऑब्वियसली अपने आप को एक बड़े एग्जाम के लिए लगाओगे और वह है यूपीएससी। तो ड्रीम रहना चाहिए, ड्रीम में उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपनों के साथ साथ हमें मेहनत भी करना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जब अभी हम क्लास करा रहे हैं तो आराम से ओसवाल का ब्लैंकेट डाल के आराम से सो रहा होगा, हाँ, और तगड़ी नींद आती है सुबह सुबह, हाँ, तो उनमें हमें शामिल नहीं होना है। हमें अगर जीतना है तो हमें बड़े ख्वाब देखने होंगे, अपनी नींद त्यागनी होगी, खुद को लगाना होगा। रात में आपके साथ ही मैं पूरे क्लास में था और आप जब सोए थे उसके 2 घंटे बाद मैं सोया था, लेकिन उसके बाद देखा अभी हम लोग क्लास में हैं, फुल एनर्जी में हैं। तो ख्वाब बड़े अगर देख रहे हो तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी, कुर्बानी भी बड़ी देनी होगी, नहीं तो ख्वाब तो हर कोई देख रहा है, ख्वाब देखने में थोड़ी पैसे लगते हैं, उसको पूरा करने में सफलता होने प्राप्ति में लगता है कुर्बानी, सेक्रीफाइस, संघर्ष लगते हैं, हर कोई नहीं कर सकता वो। तो ये पूरी जानकारी रहेगी, आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है, अगला सवाल होगा, ये सारी बातें उन्हीं के बारे में नेक्स्ट है कि बताओ भारतीय वायुसेना जो है 8 अक्टूबर 2023 को 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। आपसे सवाल है कि भारतीय वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदूषण किस शहर के अंदर होगा। साथियों वायुसेना जो है अपना स्थापना दिवस मनाएगी, कौन सा स्थापना दिवस है, 91वीं स्थापना दिवस है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ इसका आयोजन कहाँ पर होगा, इसका आयोजन कहाँ पर होगा, जल्दी से कॉमेंट करके बताओगे। गलत मैंने बोला, चलिए कमाल का ये सवाल, और चलिए तो साथियों सही जानकारी क्या है कि वायुसेना जो है साथियों इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और उसको उस समय बोलते थे इंडियन एयरफोर्स नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे रॉयल एयरफोर्स। क्या बोलते थे उस समय, रॉयल एयरफोर्स, चूंकि ब्रिटिश सेना के रूप में काम करती थी तो उस समय रॉयल एयरफोर्स बोलते थे। और 1932 से लेकर के अभी 2023 तक इसने साथियों अपनी स्थापना का 91वां वर्ष पूरा कर लिया है, और इसके लिए परेड और वायुसेना प्रदर्शन का आयोजन होगा प्रयागराज के अंदर। जब भी बात होगी भारतीय वायुसेना की तो भी हमें जानकारी रखना होगा कि चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन है, वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो सबने जानकारी रखोगे जो चीफ एयर मार्शल है साथियों वह है विवेक राम चौधरी। हाँ मार्शल जो है उनका नाम है बीआर चौधरी, विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी, हाँ वीआर चौधरी वो इसके हेड है। प्रयागराज के अंदर साथियों परेड और वायुसेना का प्रदर्शन होगा, उसके परफॉर्मेंस को आयोजित किया जाएगा। आगे जानकारी है कि औपचारिक परेड जो है साथियों ये बमरोली में आयोजित किया जाएगा और मूल परेड इधर होगा, इस तरह की तमाम चीज़ें बिल्कुल। चलिए आगे फिर से बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और इससे पहले आप में से जो लोग लेट से जुड़े होंगे, मैं हूँ एसके चौधरी भाई, मुझे अधिकांश लोग जानते हो, आप हमें अनअकैडमी पे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स पे भी नई क्लासेस भी चल रही है ऑलरेडी, इकोनॉमिक्स पे स्टूडेंट शाम में 5 बजे एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ क्रैश कोर्स, और रात में 10:30 में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स में। ये अनअकैडमी प्लस की बात हो गई, और अनअकैडमी पे फ्री क्लास है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाते हैं रात में 9 बजे। तो ये 3 क्लासेज है जहाँ पर हमें अनअकैडमी पर आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप में से मैक्सिमम बच्चे हमें वहाँ पर फॉलो करते हैं, कुछ लोग शायद अभी तक नहीं आए होंगे प्लस पे तो इसलिए अभी आप हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हो।
आगे सवाल होगा कि बताओ मकाऊ चीन में, मकाऊ चीन में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने अपने नाम कर लिए हैं, स्वर्ण पदक किसने अपने नाम कर लिए हैं, स्वर्ण पदक किसने अपने नाम कर लिए हैं, यह आपको कमेंट करना है। कल्पना देवी थॉम, सैली, अंकिता सिंह या फिर अस्मिता डे ने। चलिए तो साथियों इसमें सही जानकारी हो जाएगी कि इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है अस्मिता डे, और अस्मिता डे साथियों 20 वर्षीय हैं, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और इन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। ऑब्वियसली आगे विस्तृत जानकारी भी है कि त्रिपुरा की खेल की गौरव सिज बिलोंग्स टू त्रिपुरा, उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। और जूडो एशिया कप का जो आयोजन है वो कौन करता है, जूडो यूनियन ऑफ एशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। 1966 से पुरुषों का मुकाबला पहले स्टार्ट हुआ, फिर महिलाओं का आयोजन प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दक्षिण कोरिया चांगवोन में ISSF विश्व कप चैंपियनशिप 2023 भारत ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं, भारत ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। तो साथियों भारत ने इसमें टोटल जो पदक जीते हैं वह है 17, टोटल कितने पदक है स्वर्ण, 17 पदक है, और 17 में से 6 स्वर्ण पदक है, 6 इसमें गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, 6 इंडिया ने सिल्वर मेडल जीते हैं, और 6 12 हो गए, 5 जो बचा स्वर्ण वो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया ने टोटल इसमें 17 पदक जीते हैं, और 17 पदक जीतने के साथ जो है साथियों भारत इसमें रैंक 2 में रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का रैंक क्या है भाई, भारत इस चैंपियनशिप में सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे चीन है, क्योंकि चीन ने 28 पदक इसमें जीते हैं और भारत ने 17 पदक जीते हैं। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है। तो भारत साथियों सेकेंड नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना है 28 पदक के साथ। तो ये पूरी जानकारी होगी, आगे फिर से सवाल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर वापस से लिखा हुआ है। पदक विजेताओं में अभिनव साव, कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं, सामिया ने 3 पदक जीते। तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय जलपान दिवस नेशनल रिफ्रेशमेंट डे ये कब मनाया जाता है। देखो यह दिवस मनाया जाता है बहुत ही अच्छे उपलक्ष्य में। अमेरिका में कुछ लोग ऐसे थे जिसने बियर में यूरोप के जो कुछ बेवरेजेस थे उसको मिला करके एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बनाने के उपलक्ष्य में इसको मनाने की घोषणा करी थी। और प्रतिवर्ष जो है साथियों इसका आयोजन जो होता है वह है जुलाई मंथ के चौथे गुरुवार को, यानी कि फोर्थ थर्सडे ऑफ जुलाई, और इस वर्ष फोर्थ थर्सडे ऑफ जुलाई कब पड़ा है भाई, तो 27 जुलाई को, 27th of July को, और 27 जुलाई को मनाया गया है नेशनल रिफ्रेशमेंट डे। आगे की जानकारी क्या है, इसकी शुरुआत करी गई थी 2015 में, ये प्रारंभ हुआ है और संस्थापक हैं अमेरिका के बियर परिदृश्य में एक ताज़ा स्पर्श और लुक लाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। यह दिन अति आवश्यक तनावपूर्ण गतिविधियों और आकर्षित करता है जो हमें मानसिक शांति और शारीरिक शरीर के लिए एक आवश्यक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के तौर पर काम करता है, तो उसके लिए मनाया जाता है। चलो आगे फिर से सवाल होगा, इस प्रश्न को देखेंगे कि नई दिल्ली में सेना डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले अस्थाई आधार नामांकन केंद्र का उद्देश्य क्या है। प्रश्न को समझना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोलमेंट सेंटर इनोग्रेटेड बाय द आर्मी पोस्टल सर्विसेज कॉर्प्स। नई दिल्ली में सेना डाक सेवा के द्वारा फिर अस्थाई आधार नामांकन केंद्र की शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, डाकघर सेना के द्वारा इसकी स्थापना क्यों की जा रही है। लाइक का बटन रुकना नहीं चाहिए, हाँ उसको लाइक जरूर से जरूर करो और जल्दी से करो। तो सभी लोग जानकारी रखना कि इसका जो मूल उद्देश्य है स्टूडेंट वो यह सिर्फ और सिर्फ ये है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि पूरे भारत में त्रिसेवा कर्मियों और उनके आश्रितों को आधार संबंधित सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। त्रिसेवा कर्मी समझ रहे हो स्टूडेंट, जो 3 सेवाएं हैं, वायुसेना, जल सेवा और थल सेना, तो उनके परिवार जो होंगे, उनके जो आश्रित होंगे, डिपेंडेंट जो उनके होंगे, उन सभी लोगों को आधार से संबंधित जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं इस सेना डाक सेवा कोर के द्वारा जो है वो प्रदान किया जाएगा अस्थाई नामांकन केंद्रों के द्वारा। आपने जानकारी यह भी रखना कि भारत में
अस्थाई नामांकन केंद्र जो होगा साथियों, अस्थाई नामांकन केंद्र, इसकी शुरुआत जो है ये लक्ष्य किया गया है सेना के द्वारा, सेना डाक सेवा के द्वारा, कि 48 स्थानों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत पूरे भारत में कितने स्थानों में होगा, स्थानीय आधार सेवा की शुरुआत, तो 48 स्थानों में, 48 स्थानों में इसकी शुरुआत होगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इसकी जानकारी रखोगे। नई दिल्ली में सेंट्रल बेस्ट पोस्ट ऑफिस में इसकी शुरुआत पहली बार की गई। इस पहल का लक्ष्य पूरे भारत में 48 स्थानों पर चिन्हित करके फील्ड डाकघरों में इन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। आगे देखोगे कि सरकार ने योजना के अनुसार राजमार्गों पर स्टील बैरियर को बदलने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करेगी। अभी सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था स्टूडेंट, हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी बना है ना समृद्धि राजमार्ग पुणे और नागपुर के मध्य, तो जो बैरियर बनाए जाते सड़कों के किनारे देखते होंगे, तो वहाँ पे पहले स्टील का प्रयोग किया जाता था। अब उस स्टील को सरकार रिप्लेस करने के मूड में है, वहाँ पे कुछ नई चीज़ों का प्रयोग करेगी। आपसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा नई चीज़, चलिए कंक्रीट होगा, वुड होगा, बम्बू होगा या प्लास्टिक होगा, तो इसमें सभी लोगों को सही जानकारी रखना कि सरकार ने स्टील बैरियर को रिप्लेस करने का कार्य घोषणा किया है और इसके जगह पे बम्बू का प्रयोग किया जाएगा। नितिन गडकरी जो भारत सरकार के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करी है और उन्होंने ये घोषणा किया है कि अभी छत्तीसगढ़ में एक प्रयोग चल रहा है और छत्तीसगढ़ में सरकार जो साथियों अभी सड़कों के किनारे जो है वो बम्बू से उसको बैरिकेडिंग कर रही है, बैरियर का निर्माण कर रही है स्टील बैरियर के जगह पे। देखो होता क्या वो समझिएगा, स्टील बैरियर में ना अगर एक्सीडेंट होता है, ठोकर मारता है, तो नुकसान हमें ज़्यादा होता है। हाँ, तो उस दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, कॉस्ट के अनुसार भी सही नहीं है और अल्टरनेटिव सोर्सेज हो सकता है तो फिर क्यों ना हो। तो सरकार ने उसके जगह बम्बू का प्रयोग करना अभी एक प्रयोग कर रही है और बिल्कुल इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री ने एक पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में इन्होंने शुरू भी किया है। आगे सवाल है कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अगस्त की शुरुआत में सत्ता वो किसे सौंपेंगे। देखो कितने बड़े राजा थे, कितने दिलदार राजा थे, इन्होंने दिल अपना बड़ा रखा है। हाँ, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, और देने के साथ साथ इन्होंने बोला कि हम जो अपनी सत्ता होगी, अपनी जो दावेदारी होगा सत्ता का साथ है, वो किसे सौंपेंगे वो समझ लो। तो यह सत्ता का दावेदारी जो है वो अपने बड़े बेटे को देने वाले हैं। ये किसे देंगे साथियों, अपने बड़े बेटे को देंगे जिनका नाम है हुन मैनेट, है ना। तो आमतौर पर भारत में भी ऐसा ही होता है कि जो बड़े लड़के होते हैं परिवार में उनको ही सरकार पिताजी अपने अनुकंपा वाली नौकरी देते हैं आमतौर पर। अभी तो वो तो बंद हो गया है शायद। तो इसको कंबोडिया क्या है साथियों, तो कंबोडिया में आपको पता है वो सबसे बड़ी हिंदू मंदिर है और कंबोडिया के बारे में जब भी जानकारी रखनी है तो इसका कैपिटल बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, कैपिटल इसका है, देखो वर्ड स्पेलिंग भी इसके थोड़े अलग से हैं, फोनम पैच। हाँ, फोनम पैच इसकी कैपिटल है, राजधानी है और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिजाइन करा और अपने अगले पद जो अपने बेटे को देने की घोषणा कर डाली है। तो इतना बड़ा त्याग, क्या कहना इस बात के लिए। चलिए, तो इसकी घोषणा उन्होंने किया है। आगे सवाल होगा और यह प्रश्न है कि बताओ उस योजना का नाम क्या है जो ब्रिटेन के स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष तक के युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करती है। लो, ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले, अगर आप भारत में रहते हैं और ब्रिटेन में जा करके रोज़गार करना चाहते हो तो वह कौन सी सरकार का योजना है जिसके अंतर्गत अगर आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में है तो आपको वीज़ा मिल सकता है और आप जा करके ब्रिटेन में रोज़गार कर सकते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा का अनुमति मिल जाएगा। साथियों सरकार ने उसके लिए शुरू किया है जो प्रोग्राम, उसका नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। कौन सा स्कीम है साथियों, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम में आपको 3 वर्षों का वीज़ा मिलता है, आप 3 सालों के लिए संबंधित राज्य जा सकते हैं, देश जा सकते हो, लेकिन शर्त है आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी उम्र 18 से 30 के मध्य होना चाहिए। इसमें सरकार ने और भी बातें करी है कि
कि इसमें लक्ष्य है कि भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में इस स्कीम के तहत जो है वो उनको भेजा जाए ब्रिटेन, और वहाँ पे क्या करेंगे वो रोज़गार की भी प्राप्ति करेंगे, नए नए वर्क को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो इससे इंडिया को लाभ होगा। बिल्कुल आगे सवाल होगा, अच्छा आप में से कई लोग एलिजिबल भी है ना, तो वही कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि यस आई एम एलिजिबल। आगे जानकारी है, 27 जुलाई 2023 किस संगठन ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है साथियों? भारतीय सेना, CRPF, BSF, IAF, वह कौन से संगठन है जिसने 50वां स्थापना दिवस अभी मनाया है? चलिए तो इसमें सही जानकारी होगी कि CRPF ने साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, स्थापना कब हुआ है 1939 में 27 जुलाई को, और 1939 में इसकी स्थापना के बाद से 50वां दिवस जो है ये मनाने जा रहे हैं। और CRPF का नाम क्या है, तो नाम में ही है इसका, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसके जो डायरेक्टर हैं साथियों निदेशक हैं उनका नाम भी हमें जानकारी रखना होगा कि क्या सवाल हो गए, तो सुजॉय थॉयसन इनका नाम है, हाँ सुजॉय और थॉयसन इनका नाम है, सुजॉय लाल थॉयसन और सुजॉय लाल थॉयसन जो साथ है उन्हें वो CRPF के हेड है। अभी इसका 27 जुलाई को 50वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो ये पूरी जानकारी हम सबको यहाँ पे रहेगा, दिन आगे बढ़ेंगे फिर से सवाल हमारे सामने होगा और यही सारी बातें यहाँ पे विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। आगे सवाल फिर से है कि बताओ फॉर्मूला वन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने अपने नाम जीत लिया कर लिया है, और हंगेरियन को 2027 से आगे 5 वर्षों के लिए फिर से इसको राइट्स मिल गया है, 2032 तक के लिए अब ही इसको हेड करेगा। तो साथियों इसे मैक्स वेरस्टैपेन ने जीत लिया है, मैक्स वेरस्टैपेन के बारे में दो जानकारी, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, रेडबुल कंपनी, और दूसरा इनका होम कंट्री जो स्टेट वो है नीदरलैंड। हाँ तो मैक्स वेरस्टैपेन ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है और इस जीत के साथ जो है अब उन्होंने लगातार 12वीं जीत जो है वो हासिल किया है, इस जीत के साथ उन्होंने दोहरे चैंपियन में लगातार 7वीं जीत किया है और उन्होंने 12वीं जीत दर्ज करी है इसके अंतर्गत, तो ये पूरी जानकारी रखेंगे। बिल्कुल, और मैकलोरेन जो है वो लगातार दूसरी बार इसमें उपविजेता रहे, रनर अप रहे, तो रनर अप की क्या गिनती हम लोग तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ोगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, अगला प्रश्न कि किस राज्य में स्थित भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? वह कौन सा राज्य है जहां पे रेलवे स्टेशन है भायखला रेलवे स्टेशन, उसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो असल यह एक धरोहर है, एक हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है इसको, और यह स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, और इसे किस रूप में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया साथियों? तो इसे सम्मानित किया गया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। ठीक है, आपके मन में सवाल होगा क्यों सम्मानित किया गया, निश्चित रूप से चूंकि यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यह रेलवे स्टेशन जो है एक कल्चर से जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, और यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपने जानकारी होगा कि यूनेस्को की स्थापना ही 1945 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस के अंदर है, और ये क्या करती है यूनेस्को, तो यूनेस्को का काम है विरासत स्थलों की पहचान करना और उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मान्यता देना। ठीक है, भारत में अभी लगभग 40 विरासत स्थलों को मान्यता 39 या 40 को दिया गया है, जिसमें से महाराष्ट्र से स्टूडेंट विक्टोरिया टर्मिनल को भी मान्यता दिया गया, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं अब, हाँ वह रेलवे स्टेशन भी हमारे भारत में हेरिटेज साइट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो पूरी जानकारी रखोगे। आगे प्रश्न होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होगा बिहार से जुड़े हुए, और बिहार करेंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। हाँ तो बिहार अपडेट्स क्या है, बिहार के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से देखने वाले हैं। चलिए बिहार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ आप सभी लोग, और क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, बस आपको बनाने का प्रयास करना है। तो तैयार हैं सभी लोग, चलो आते बिहार के प्रश्नों पे, और पहला सवाल आपके सामने है बिहार से जुड़ा हुआ कि बिहार के कितने गाँव में पी एच ई डी
जन स्वास्थ्य आंत्रिकी विभाग जो है स्टूडेंट वो उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। विभाग ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिए एक हैंडपंप लगाने की घोषणा की है। कितने गांवों में हैंडपंप लगाया जाएगा फेड के अंतर्गत, जन स्वास्थ्य आंत्रिकी विभाग के द्वारा कितने हैंडपंप पूरे राज्य के अंदर लगाए जाएंगे, तो इसमें सही जानकारी होगा 10,000, हाँ 10,000। और आगे फिर से सवाल हमारे सामने है, बिहार राज्य निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य के सभी जिलों में एक बालिका संरक्षण गृह को स्थापित करेगी। बिहार में वह कौन सा विभाग है जो साथियों बिहार के हर जिले के अंदर एक बालिका संरक्षण गृह केंद्र को स्थापित करने जा रही है, उसका नाम क्या है, तो कमेंट करोगे जल्दी से। और इसमें सही जानकारी है वह है बिहार समाज कल्याण विभाग। हाँ, बिहार समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह स्थापना का कार्य किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने होगा। अगला प्रश्न पुनः है कि बताओ बिहार राज्य निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन की जनगणना और सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। गंगा में जो डॉल्फिन का समाप्ति हो रहा है, उसकी कमी हो रही है, उसके लिए जनगणना और सर्वेक्षण का कार्य किस स्थान पर किया जाएगा, तो यह कार्य साथियों अररिया में किया जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारे सामने बिल्कुल सही है। आगे सवाल होगा, बिहार राज्य की कितनी संस्थाओं ने DST साथी की पहल का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार का संयुक्त प्रस्ताव भेजा है। बिहार सरकार के अंतर्गत कितने जिलों ने इसमें शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है, जल्दी जल्दी कमेंट करोगे। चलिए इसमें DST साथी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा मामला है। इसमें टोटल केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजे गए वह है पांच संस्थाओं ने प्रस्ताव भेजा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे सामने बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला सवाल आपके लिए, मौसम परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा, पूर्णिया, दरभंगा, रोहतास या गोपालगंज के अंदर। साथियों मौसम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, उसके लिए फोरकास्टिंग करने के लिए कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी, तो इसकी सभी लोग जानकारी रखोगे कि इसके लिए स्थापना किए जाएंगे दूसरा रडार वाला सिस्टम, वह होगा पूर्णिया में, एंड ऑप्शन नंबर ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। चलिए तो अभी मुझे 92 बच्चे लाइव दिख रहे हैं और आप में से लाइक करने वालों की संख्या महज 96 है। एक बार लाइक सभी लोग कर लो जिसने नहीं किया है, और मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने सभी से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अपने सभी साथियों के साथ सेशन को ज़रूर शेयर करो। हाँ, सुबह बड़ी मेहनत है और मुझे मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है, बस आपका एप्रिसिएशन सिर्फ इस बात पे है कि आप लोग ज्वाइन करो सेशन को रेगुलर, आप में मैक्सिमम लोग रेगुलर, ये बोलना भी हमें नहीं है, रेगुलर रहने का कोशिश करना है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करना है। सेशन समाप्त होगा 20 से 25 मिनट का समय लेना और सारे प्रश्नों को अच्छे से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको बना लेना है। तो अब हम लोग अपने सेशन को समाप्त करेंगे और 2 पैसे का शायरी भी होगा, उस पर भी हम लोग लौटेंगे। हाँ, तो इससे पहले कि 2 पैसे के शायरी पे लौटा जाए, मैं आपको अनअकैडमी पे चल रहे एक बेहतरीन ऑफर के बारे में बता दूं। असल अनअकैडमी आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है 40% का डिस्काउंट ऑफर, जहाँ पर एक साल का कोर्स, पूरे एक वर्ष का कोर्स आप 6,375 और 2 साल का कोर्स 8,286 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। खास बात है कि ये ऑफर 31 तारीख तक वैलिड है। इसमें PT प्लस मेंस ऐसे राइटिंग इत्यादि की पूरी तैयारी आप यहां से कर सकते हो। 40% डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड है SKC10, इसका प्रयोग करेंगे और मैक्सिमम जो 40% का डिस्काउंट का ऑफर है ये आपको यहां से वैलिड है मिल जाएगा। अनअकैडमी स्टूडेंट 17वीं BPSC की कंप्लीट तैयारी के लिए एक नई बैच लॉन्च कर रही है जिसका नाम है उत्कर्ष 17वीं BPSC फाउंडेशन बैच। यह बैच स्टूडेंट 3 अगस्त से हमारा लॉन्च हो रहा है, 3rd of August से। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे होंगे तो इस बैच से भी जुड़ सकते हो।
और अगर आप प्लस पे नहीं है, केवल इसी बैच को ज्वाइन करना है, तो 5,559 रुपये लगेंगे। तो इतना क्यों लगाना, अगर आना है तो प्लस पे आ करके और पूरी बैचेज को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी क्लासेज हैं, इन सारे कोर्सेज में क्रैश कोर्स इत्यादि भी है। आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस, ये बिहार शिक्षक और BPSC 69th के लिए, इधर भी आप जुड़ सकते हैं। 17वीं BPSC हिंदी माध्यम में भी बैचेज है, बिहार शिक्षक कांस्टेबल के लिए, असिस्टेंट अमीन इत्यादि के लिए। तो बैचेज की कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दिखाइए यहाँ से। हाँ चलें, तो अब हम लोग अपने सेशन के सबसे आखिरी सेगमेंट में होंगे और सेशन की समाप्ति होगी 2 पैसे के शायरी के साथ। तो क्या आप तैयार हो 2 पैसे के शायरी के लिए? चले, चले, तो आज के सेशन को हम लोग इधर से ही समाप्त करेंगे। कि आज का जो 2 पैसे का शायरी मोटिवेशन है कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हाँ, यहाँ से सुनना इस मोटिवेशन को, कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे लेकिन गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम चिराग ने, हवाओं ने कोशिश बहुत की लेकिन हम चिराग थे और आंधियों में भी जलते रहे। हाँ, मैं रिपीट करूँगा कि निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे लेकिन गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिशें तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो साथियों, हमें वो चिराग बनना है और उस चिराग को बन करके ही हमें अपने सफलता तक पहुंचना है। जब आप सही रास्ते पे चल रहे होंगे, जब आपके लक्ष्य बड़े होंगे, जब आपके उद्देश्य बड़े होंगे, दुनिया में वो तमाम लोग आपका साथ छोड़ देंगे जो आपके बहुत खास हैं। क्योंकि ये लाइनें भी बहुत ज़रूरी है कि लोग कहेंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा आगे बढ़ना हमें अच्छा लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट जब आपका आगे बढ़ना उनको तकलीफ़ देगा, उनको दुख देगा, और ऐसे में वो करेंगे कि आपको परेशान किया जाए, आपको डिस्टर्ब किया जाए, आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने पे रोका जाए। तो वैसे में आप हमेशा प्रयास करिए कि आपको चिराग बनना है और एक ऐसा चिराग जो आंधियों के बावजूद भी जलता रहे, रुके भी नहीं, थके भी नहीं, बुझे भी नहीं। तो इस प्रकार के हौसलों के साथ हमें आगे बढ़ना है। हाँ, और आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत पसंद आ रहा है। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करो और अपने सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर करिए अधिक से अधिक संख्या में। अनअकैडमी पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं हूँ और अनअकैडमी की पूरी टीम है जो आपको अलग अलग विषयों के लिए मेंटोर करेगी, अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रही है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज टू बिंग दिस सेशन। खूब ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारियों के साथ।